मान लीजिए मार्केट, मैं आपको समझा रहा हूं, इसको बड़े आराम से समझिएगा। फर्म्स जो हैं मार्केट डिमांड के हिसाब से डिसीजन ले रही हैं। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ब्रूटस आईएएस गाइस। गाइस हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की पास्ट ईयर क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की सीरीज बना रहे थे, उसी सीरीज में आज नेक्स्ट वीडियो हमने पहले कारनोट मॉडल डिस्कस कर लिया है आपके साथ कि कारनोट मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली जो कि बेसिकली ड्यूओपॉली के लिए एप्लीकेबल है वो क्या होता है, किन चीज़ों पर ऑपरेट करता है, ये बातें हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उसी का सेकंड पार्ट है, आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कारनोट मॉडल में और क्या क्या होता है। तो देखिए अजम्पशंस मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे, एक बार आपको ब्रीफ आउट कर देता हूं अजम्पशंस में, फिर आगे की बात करते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि कारनोट मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है आपके इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में ड्यूओपॉली के लिए, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो पहला अजम्पशन, देखिए पांच अजम्पशन है, इनको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं और फिर इसमें जिसमें जिस भी अजम्पशन में थोड़ा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहली बात तो ये है कि सारी फर्म्स आइडेंटिकल इन कॉस्ट हैं और एक ही मार्केट में ओरिएंटेड है, ठीक है। सेकेंड इज दैट देयर आर ओनली टू फर्म्स इन द मार्केट, मार्केट में सिर्फ दो ही फर्म्स हैं, ओके। थर्ड वॉज, बिल्कुल सीधी सी बात भी है ये, क्योंकि ड्यूओपॉली आप ले रहे हो तो दो ही फर्म्स होंगी मार्केट में। थर्ड इज देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट इज अज्यूम्ड टू बी जीरो, मार्जिनल कॉस्ट जीरो थी। फोर्थ वॉज दैट फर्म्स कैन ऑब्जर्व ईच अदर कंप्लीटली, फर्म्स एक दूसरे के मूवमेंट्स को, दूसरा क्या करने जा रहा है इस चीज को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर सकती हैं और अपनी क्वांटिटी को साइमल्टेनियसली सेटिंग कर सकती है क्वांटिटी का, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्म्स इंटेंशन इज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, और फर्म्स क्या करेंगी, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगी, ठीक है। अब जरा देखिए फोर्थ अजम्पशन को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। फोर्थ अजम्पशन है, इसको दो पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है कि फर्म्स कैन ऑब्जर्व ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ कि फर्म एक दूसरे की प्रोडक्शन कैपेसिटी जानती होंगी, अपने राइवल की प्रोडक्शन कैपेसिटी समझ जाएंगी, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द राइवल उन्हें पता होगा कि राइवल का क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है, प्लस पास्ट के प्रोडक्शन डिसीजन भी मालूम होंगे, ठीक है, और इन्हीं इंफॉर्मेशन पे फर्म अपना डिसीजन लेगी। और साइमल्टेनियस क्वांटिटी सेटिंग का मतलब ये हुआ कि जो दोनों फर्म्स हैं वो क्या करेंगी, वो डिसीजन लेंगी एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब ऐसे समझ लीजिए फर्म, दो फर्म्स हैं, फर्म ए फर्म बी, तो फर्म ए बैठी है रूम वन में, फर्म बी बैठी रूम टू में। अब दोनों अजम्पशंस के साथ, अपने पुराने एनालिसिस के साथ, किस चीज का एनालिसिस, कि राइवल फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी, इस बेसिस पे डिसीजन ले लेंगी प्रोडक्शन का, ठीक है। दे आर नॉट अवेयर कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राइवल फर्म क्या डिसीजन ले रही है, बात समझ में आई। इतनी बात हम लोग लास्ट टर्न में कर चुके हैं, अब आगे देखते हैं। इसमें हम लोग समझते हैं मार्केट डिमांड। क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए मार्केट, मैं आपको समझा रहा हूं, इसको बड़े आराम से समझिएगा। फर्म्स जो हैं मार्केट डिमांड के हिसाब से डिसीजन ले रही हैं, ठीक है ना, एक दूसरे का एनालिसिस कर रही हैं, मार्केट डिमांड देख रही हैं, ओके। तो होना क्या है कि अगर मार्केट डिमांड डी है, समझिए, लेट्स से मार्केट डिमांड इज डी, यानी क्वांटिटी रिक्वायर्ड डी है फॉर प्रोडक्शन, तो दोनों फर्म्स कंबाइन करके, दोनों फर्म्स का प्रोडक्शन कंबाइन कर दीजिएगा तो डी के इक्वल आएगा, ठीक है, बोलिए। मतलब मैं इसको सिंपली ऐसे लिख दूं कि फर्म ए जितना प्रोड्यूस करेगी प्लस फर्म बी जितना प्रोड्यूस करेगी, दोनों का प्रोडक्शन आप कंबाइन करेंगे तो ये डी के इक्वल आ जाएगा, डिमांड के हिसाब से ये प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। दूसरी बात है यहां पर कॉम्पिटिट
Peter's reaction. Competitor's reaction. देखिए मैंने आपको बताया कि फर्म्स कैसे डिसीजन ले रही हैं. फर्म साइमल्टेनियस डिसीजन ले रही हैं. दोनों फर्म्स दो कमरे में बैठ के डिसीजन ले रही हैं. ठीक है, तो यहां पे फर्म क्या करेंगी, ये गेस वर्क करेंगी. किस चीज का गेस वर्क, कि अपना उनका कॉम्पिटिटर, उनका राइवल कितना प्रोड्यूस कर रहा है. समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं कर्व बना देता हूं तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यहां पे हम लोग y एक्सिस के अलोंग प्राइस लेंगे और x एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी लेंगे. ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले मैं यहां पे अपना एक ही कर्व बना रहा हूं. और ये डिमांड कर्व है मेरा, इसको डी बोल दीजिए, बोलिए. ठीक है, इस पॉइंट को यहां पे एम बोल दीजिए. एम डी मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है ना, ओके. अच्छा, इस पॉइंट को एन बोल दीजिए. एम एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझिए. अगर मैं ओ, देखिए ध्यान दें एक एक करके, इस पॉइंट को ओ बोल दीजिए, ओरिजिन है. तो ओरिजिन से डी तक टोटल प्रोडक्शन है, जितनी डिमांड होगी उतना प्रोडक्शन होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. ठीक है, एम डी मेरा डिमांड कर्व है. ठीक है ना, ओके. तो आप ओडी हो गया टोटल प्रोडक्शन और एमडी हो गया डिमांड. एमडी हो गया मेरा डिमांड फंक्शन और ओडी मेरा टोटल आउटपुट हो गया या टोटल प्रोडक्शन हो गया. अच्छा, अब ध्यान दें, अगर पहले हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मान के चलें, मेरा कहने का मतलब है कि अभी फर्म ए है मार्केट में, फर्म बी एंटर ही नहीं करी है मार्केट में, तो इस टाइम जब एक ही फर्म है, हम लोग अभी जरा परफेक्ट कंपटीशन मान के लेते हैं. तो परफेक्ट कंपटीशन आपको मालूम है, मैं कर्व बना देता हूं. बोलिए, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ये मेरा एवरेज कॉस्ट हो गया, यहां पर P आ गया यानी कि प्राइस, और यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इक्वल आ जाता है, राइट. परफेक्ट कंपटीशन में सिनेरियो होता है कि MR मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस. बोलिए, ठीक है, लेकिन यहां पर आपने क्या अजम्पशन लिया था कि मार्जिनल कॉस्ट जीरो है, बोलो, और मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल है, तो इफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो देन प्राइस इज आल्सो इक्वल टू जीरो. इतनी बात समझ पाए? ठीक है, देख लीजिएगा इसको, क्लियर. तो मेरी अगर टोटल डिमांड MD है तो टोटल आउटपुट कितना चाहिए हमें, OD चाहिए, बिल्कुल. अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन सिनेरियो मान के चल रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेरी मार्जिनल कॉस्ट जीरो हो जाएगी, और परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस यानी कि प्राइस जीरो हो गया. ठीक है, एक काम करेंगे, इस पॉइंट को मैंने एन बोल दिया है, अब मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं. मान लेते हैं हम लोग मिनरल वाटर के प्रोडक्शन को कंसिडर कर रहे हैं. तो जब हम मिनरल वाटर के प्रोडक्शन को कंसिडर कर रहे हैं,
तो मिनरल वाटर, वाटर का प्रोडक्शन स्प्रिंग कहते हैं जहां पे प्रोडक्शन होता है। दो स्प्रिंग है इकोनॉमी में, एक है स्प्रिंग ए और दूसरी है स्प्रिंग बी, ठीक है ना। तो इनिशियली क्या हो रहा है, फर्म ए प्रोड्यूस कर रही है और जब फर्म ए प्रोड्यूस कर रही है, अभी फर्म बी नहीं प्रोड्यूस कर रही, तो एक सेलर हुआ मार्केट में, और जब एक सेलर होता है मार्केट में तो उसको आप क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है। तो हम फर्म ए के लिए मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर ले सकते हैं, बोलिए। और मोनोपोली में क्या होता है, जरा मैं कर्व बना रहा हूं, देखिए। रफ में बनाए दे रहा हूं क्योंकि मोनोपोली ऑलरेडी आपको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बता ही चुका हूं। ये मेरा एवरेज रेवेन्यू कर्व हो जाता है, ठीक है। ये एमआर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, फाइन। ये हो गया मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है ना। और ये मान लीजिए मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व है, ओके। जिस पॉइंट पे एमसी और एमआर कट करते हैं, ये हो गया वो पॉइंट, ये मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दे देता है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप ऊपर जाएंगे, यहां पे ये आपको कॉस्ट मिल जाएगी, और ऊपर चले जाएंगे तो ये आपको प्राइस मिल जाएगा, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। इतनी बात आप जानते हैं। तो अगर आप अब ध्यान दें अपने कर्व में, तो ये जो MN है, ठीक है, फर्म ए की बात कर रहा हूं, तो ये जो MN कर्व है, ये MR कर्व हो जाएगा फर्म ए के लिए, राइट। MN कर्व इज गोइंग टू एड एज एन MR कर्व, और हमें मालूम है कि MC इक्वल्स टू MR पर इक्विलिब्रियम आता है, ठीक। और करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो एवरेज रेवेन्यू कर्व पे होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व, ध्यान दीजिएगा, एवरेज रेवेन्यू ही तो डिमांड होती है, तो हमारा डिमांड कर्व यहां पे डी हो गया, MD, ठीक है। करस्पॉन्डिंगली हमारे इक्विलिब्रियम के हिसाब से, जहां MC और MR इक्वल हो गए, वहां पे इक्विलिब्रियम आया, उसको ऊपर प्रोड्यूस कर दिया, उसने हमारे AR या डिमांड कर्व को जहां इंटरसेक्ट किया, वो प्राइस डिटरमिनेशन हो जाता है, बोलो। तो आपको मालूम है, ये देखिए मैंने लिखा भी है कि मार्जिनल कॉस्ट जीरो है। मार्जिनल कॉस्ट जीरो है का मतलब क्या हुआ, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई, बोलिए। और अगर ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई, ध्यान दें, तो ये मेरा एन जो है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और अगर एन इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मैंने इसको ऊपर प्रोड्यूस किया, तो इसने जिस भी पॉइंट पे MD को इंटरसेक्ट किया, उसके करस्पॉन्डिंग प्राइस एक्सिस पे देखिए, तो आपको प्राइस मिल जाएगा, ठीक है ना। ये प्राइस है, बोलिए। इतनी बात समझ में आई, इस पॉइंट को नाम आप K दे दीजिए, ठीक है। तो के क्या हो गया, के वो पॉइंट हो गया फर्म पे जो कि आपके डिमांड कर्व पे है, और करस्पॉन्डिंग प्राइस को, इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग प्राइस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ठीक, तो इसका मतलब फर्म ए ने कितना प्रोड्यूस किया, फर्म ए ने ON प्रोड्यूस किया, फर्म ए ने ON प्रोड्यूस किया, बचा कितना, ND बचा। तो अब ये ND कौन प्रोड्यूस करना चाहिए, ND जो है आपके, उसको B को प्रोड्यूस करना चाहिए, दूसरी फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन ध्यान दें, अभी तक मोनोपोली थी, जैसे ही B मार्केट में एंटर करता है, अब ये परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है, यस और नो। और क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन हो गया, प्राइस जीरो हो गया, प्राइस जीरो हो गया, नो प्राइस कॉम्पिटिशन, प्राइस से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो बी जो है वो एनडी नहीं प्रोड्यूस करेगा, रेदर हाफ ऑफ एनडी प्रोड्यूस करेगा। बी कितना प्रोड्यूस करेगा यहां पे, बी प्रोड्यूस करेगा वन बाय टू टाइम्स एनडी, नॉट एनडी, बोलिए। क्लियर हुई बात। और इसको मैं
एच मान लेता हूं प्रोडक्शन को, तो देखिएगा बी यहां तक प्रोड्यूस करेगा, एच तक, क्लियर। यानी कि और ये कितना प्रोड्यूस किया बी ने, बी ने तो एनएच प्रोड्यूस किया, और एनएच कितना है, हाफ ऑफ एनडी इज एनएच, क्लियर। बोलिए, अच्छा अगर आप ओएन प्लस एनएच करेंगे तो ओएच के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, सप्लाई इनिशियली कितनी थी, सप्लाई हमारी इनिशियली ओएन थी, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब सप्लाई इंक्रीज कर गई है, अब सप्लाई इंक्रीज कर गई है, और सप्लाई इंक्रीज होके कितनी हो गई है, अब सप्लाई हमारी पहले ओएन तक थी, अब सप्लाई इंक्रीज करके ओएच तक चली गई है। और गाइस जब भी सप्लाई इंक्रीज करती है आपको मालूम है प्राइस डिक्रीज कर जाते हैं, यस और नो? तो अब जब सप्लाई इंक्रीज कर गई क्योंकि अब प्रोडक्शन एस तक होने लगा है, तो अब प्राइस पी नहीं रहेगा, प्राइस पी के नीचे आ गया, पी डैश हो गया, यानी इसके इक्विलिब्रियम करस्पॉन्डिंग ये एल मान लीजिए, एच के करस्पॉन्डिंग, तो अब ये पी डैश हो गया प्राइस, ओके, ठीक है। तो ओके गाइस, आज हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया, आपको कर्व बताया फर्म ए और फर्म बी के इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की कारनॉट मॉडल के हिसाब से। ये सेकंड पार्ट था कारनॉट मॉडल का, नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।